नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू प्रोटोन सो सवाल ये है कि दो प्रोटोन आपके यहाँ रखे हुए हैं एक प्रोटोन और दूसरा प्रोटॉन दोनों के बीच में लग से डिस्टेंस आ रहे हैं हमें बताना है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स सॉलेट हमें बताना है एफ ई डिवाइडेड बाय एफ जी उसका रेशियो क्या होएगा ये बताना है ना ये बात अपने को पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको हम लिख सकते हैं के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम लिखते हैं जी एम वन एम टू डिड बाय आर स्क्वायर यहाँ पर क्योंकि दोनों प्रोटॉन है तो दोनों का चार सेम है दोनों प्रोटॉन है तो दोनों का मास सेम है इस रेशो की जब हम बात करेंगे तो अपना जो रेशो है आ, रेशो एफ ई बाय एफ जी ये आ जाएगा के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक काम करते हैं इसको क्यू ऑफ प्रोटॉन स्क्वायर और ये हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी मास और प्रोटॉन स्क्वायर ठीक है बस डेटा रख के अपने को फाइनल आंसर मिल जाएगा आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा सो दिस विल बी के मल्टीप्लाइड बाय क्यू प्रोटॉन स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल जी मल्टीप्लाइड बाय मास और प्रोटॉन स्क्वायर डेटा रख लेते हैं सो दिस विल बी नाइन इंटू टू दावर नाइन मल्टीप्लाइड बाई चार्ज और प्रोटोन की बात करेंगे सो दिस विल बी वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन कुलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू दॉर माइनस एलेवन मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टें पावर माइनस ट्वेंटी सेवन स्क्वायर इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका जो रेशो है एफ जी एफ ई डिवाइडेड बाई एफ जी उसकी वैल्यू आती है वन पॉइंट टू फोर मल्टीप्लाइड बाई टें पावर थर्टी सिक्स सो so, इसका मतलब ये कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10 टू द पावर 36 की रेंज में ज़्यादा स्ट्रॉगर है फॉर एनी टू सिग्निफिकेंट डिस्टेंस उस पर हम वहाँ पर रख रहे हैं तो वहाँ पर ये वैल्यू आएगी बिकॉज ये इंडिपेंडेंट ऑफ आपका डिस्टेंस आ गया एनी वे राइट